जस्ट इमेजिन गाइस, आप लोग अपने बाइक के साथ एक हाईवे पे हो या एक रिमोट एरिया में हो, और गेस व्हाट, आपकी जो एक्सपल्स है या आपकी जो कोई भी बाइक है वो बाइक पंचर हो चुकी है। इट्स अ नाइटमेयर गाइस, इट्स अ लिटरली नाइटमेयर। सो बेसिकली उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक एक्सेसरीज जो आपके लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये, इट्स अ वॉशर टायर इन्फ्लेटर गाइस। सो बेसिकली ये जो टायर इन्फ्लेटर है, इस टायर इन्फ्लेटर का इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट डेमो एंड सेटअप करने वाला हूँ, और इसका जो पूरा अनबॉक्सिंग का वीडियो है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो दिखेगा, उसके बाद जो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो को पूरा देखो गाइस, और ये जो वॉशर टायर इन्फ्लेटर है इसका फुल रिव्यू इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज लकी सिंह एंड यू आर वॉचिंग द फुल रिव्यू ऑफ द वॉशर टायर इन्फ्लेटर। सो गाइज, फर्स्ट चेक आउट दी अनबॉक्सिंग वीडियो। सो पहला अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग देखो, और अनबॉक्सिंग वीडियो को देखने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है मैं आप लोग को वो बताने वाला हूँ। ओके, सो ये है अनबॉक्सिंग वीडियो। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ दिस वॉशर टायर इन्फ्लेटर। सो बेसिकली ये जो पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, ये 1800 का मुझे कॉस्ट हुआ है, और इसको यूज़ करना गाइस बहुत ही इजी है, सिंपल सा है, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि जो इसके साथ आपका जो यूज़र मैनुअल आता है आप लोग एक बार उसको प्लीज़ रीड आउट करो। सो बेसिकली आपको दो ही चीज़ों की ज़रूरत है आपको बाइक को इन्फ्लेट जो टायर है उसको इन्फ्लेट करने के लिए, फर्स्ट ये जो टायर इन्फ्लेटर है, सेकेंड ये जो इसका नोजल है वो आपको रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली इसको फिट करना बहुत ईजी है, जो यहाँ पर आपको थ्रेड दिख रहा है इस थ्रेड में इसको आपको ऐसे डाल के इसको क्लॉकवाइज अगर आप घुमाओगे तो ये लॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और मेक श्योर करना कि जब आप इसको लॉक कर रहे हो तो ये अच्छे से लॉक हो जाए और लूज़ ना रहे, तो वो एक चीज़ है। और लॉक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको आपको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए सिंपली आप इसको जस्ट ऊपर ऐसे प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ओके, ये नीचे लॉक रहता है, ये ऊपर ऐसे अनलॉक रहता है। सो बेसिकली इसको अनलॉक करना है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको आपका जो टायर का नोजल है जहाँ से आपका एयर फिल होता है वहाँ पर डालना है, और वहाँ पर डालने के बाद इसका जो PSI वगैरह है आपको कैसे सेट करना है मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। सो बेसिकली अगर आप लोग इसको 3 सेकंड तक ऐसे प्रेस करके रखे रहोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑन होने के बाद इसका जो अभी ऑलरेडी ये बाइक मोड में, यहाँ से आप ऊपर से मोड चेंज कर सकते हो। सो एक बार मोड आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपका जो टायर इन्फ्लेटर है उसका जो मैक्सिमम मतलब आपको कितना रखना है, इसको जो टायर का जो प्रेशर है वो कितना रखना है वो आपने डिसाइड कर दिया। सो बेसिकली एक बार इसको ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर जो आपका टायर में जहाँ से आप हवा फिल करते हो वो नोज़ल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाला जो नोज़ल है इसको यहाँ पर आपको सेट करना है ऐसे, और सेट करने के बाद आप जैसे इसको ऊपर से प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। ओके, अब एक बार लॉक हो जाएगा तो जैसे आप इसका बीच वाला बटन वापस से प्रेस करोगे तो ये जो टायर वापस फिल करना शुरू कर देगा गाइस। ओके, और कुछ इस तरीके का इसका आवाज़ आता है जब टायर ये फिल होता है, लाइक आप लोग देख सकते हो। ओके, सो डन, जितना भी आपने टायर इसका जो सेट करके रखा हुआ था एक बार वो पूरा प्रॉपर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका मशीन बंद हो जाएगा। फिर एक बार ये बंद हो जाएगा तो देन आपका जो टायर है आप उसको वापस से सेट कर सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से। ओके, सो आपने इसको प्रॉपर फिल कर दिया, अब जो टायर है ये आपका प्रॉपर इन्फ्लेट हो चुका है, और ये जो मशीन आपका ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसको 3 सेकंड के लिए वापस प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा और आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो देन। ओके, और यस, ध्यान देना कि जब भी आप टायर इन्फ्लेट कर रहे हो तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, लाइक ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, इसको आपको कवर नहीं करना। ओके, लाइक इसको हवा में रखना है, इसको अगर आप नीचे कुछ इस तरीके से करोगे, यहाँ से एयर इंटेक होता है तो इसको आपको एयर वेंट्स के लिए ओपन ही रखना है। ओके, सो दैट कि आपका जो हीट ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये ज़्यादा हीट ना करे और काफ़ी अच्छे से आपका जो एयर है वो प्रॉपर फिल हो जाएगा आपका। और एक बार एयर फिल करने के बाद देन आप इसको वापस ऐसे कुछ रिमूव कर सकते हो, और देन रिमूव करने के बाद आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो।
सो फाइनली गाइस, अब आप लोग को पता है ये वॉशर टायर इन्फ्लेटर के बारे में। सो बेसिकली ये जो टायर इन्फ्लेटर है, इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया था। इसका जो कॉस्ट है वो 1800 है। ये समथिंग उसी रेंज के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, यू विल बी नेवर रिग्रेट आफ्टर बाइंग दिस एक्सेसरीज। ओके, ये इतनी प्यारी एक्सेसरीज है, इतनी अच्छी एक्सेसरीज है। लाइक कभी भी अगर आप लोग ग्रुप राइड कर रहे हो या सोलो राइड कर रहे हो, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर तो रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। बेसिकली आपका टायर पंचर हो गया, आपके किसी फ्रेंड का टायर पंचर होगा, तो देन उस सिचुएशन में आपको उस ट्रबल मोमेंट से तो डेफिनेटली बाहर निकल कर आपको देगी। और ये जो वीडियो है गाइज, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है वॉशर की तरफ से। सो बेसिकली आप लोग किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हो, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर रहना चाहिए, बिकॉज वो आपको एक बहुत ट्रबल मोमेंट से निकाल सकता है। बिकॉज अगर आपके पास कुछ ऐसी बाइक है जो ट्यूब वाली बाइक है, या आपके पास कोई भी बाइक है जो ट्यूब वाली बाइक है, तो बेसिकली वो टाइम पर ऐसा होता है ना कि लाइक जब भी आपका जो टायर है वो पंचर होता है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है। बिकॉज गाड़ी को हाथ से लेके जाने में ना जान पे आ जाती है गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। बिकॉज गाड़ी का जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करके फिर लेके जाते हैं, बट क्यों करना वैसा, क्यों करना जब ऑप्शन है आपके पास, तो वैसा काम ही क्यों करना। ओके, और वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वन।